वादा तो आज का ही किया था, लगता है भूल गई। कोई बात नहीं, चलो इंतजार कर लेते हैं। आप सुरेखा? नहीं नहीं, मैं तो वहीदा हूँ। मैं तो यहाँ पर पेपर पढ़ रही थी, मैंने आपको देखा, बहुत देर से टहलकदमी कर रही है, किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन आपने इतनी ज्वेलरी क्यों पहन रखी है? अंधेरा होने वाला है, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। एक्चुअली मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। ओह अच्छा, हम दोनों का बचपन इसी शहर में बीता था। उसके बाद करियर बनाने मैं मुंबई चली गई। बहुत बढ़िया, अच्छा। और वो यहीं रह गई। और ये जो ज्वेलरी देख रही हो ना, ये मेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। बट दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। पर मेरी दोस्त ना आज 20 साल बाद मुझसे मिलने वाली है। अच्छा, इसीलिए मैं ये ज्वेलरी पहनकर आई, उसे दिखाऊं और पूछूं कि 20 साल पहले जब मैंने उसे कहा कि मुंबई चलो, करियर बना पाएंगे, अच्छे से रहेंगे, बड़ा काम करेंगे, मानी नहीं वो। अच्छा, रह गई यहीं पे। आज मुझे पूछना है उससे। मुझे भी लगता है कि आपका ना आज आइकॉनिक सीन होने वाला है। मेरे पास माँ है। लेकिन मैं नहीं रुक पाऊंगी, मेरा तो अर्जेंट कॉल आ रहा है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। अच्छा होता अगर मैं भी आपका मिलना देख पाती आपकी दोस्त से। एनीवेज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो चलती हूँ फिर मैं। बाय बाय। बबली, सुरेखा, अच्छा हुआ आज का दिन और समय तुम्हें याद था। आ गई, मुलाकात हो गई, नहीं तो मुलाकात ही नहीं होनी थी। चलो बैठ के पुरानी यादें ताजा करेंगे, बैठ के बातें करते हैं। चलो, लग तो मुझे भी नहीं रहा था कि आज मुलाकात होगी। और तुम इतना बदल गई हो, अगर तुम नहीं कहती कि तुम सुरेखा हो, मैं तो बिल्कुल नहीं पहचानती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा छोटा वाला भाई क्या कर रहा है आजकल? मेरा छोटा भाई? हाँ, वो दुबई में है, नौकरी कर रहा है, बढ़िया नौकरी कर मिली हुई है। और वो बड़ी दीदी, उनकी तो शादी हो गई होगी? हाँ हाँ, अभी तक कुंवारी छोड़ा रहती, शादी हो गई, दो बच्चे हैं, बच्चे बड़े लायक बच्चे हुए हैं। और तुम्हारा मकान तो तुम्हारा वही था ना, वो चुंगी नाके के कोने वाला? और तुम्हारे कमरे का रंग हरा था ना, क्रीम कराया है नहीं तुमने? नहीं नहीं, वही घर, वही कमरा, वही हरा रंग। हरा रंग पसंद है ना मुझे, क्रीम क्यों कराऊंगी मैं उसे? तुम सुरेखा नहीं हो, सुरेखा का तो कोई भाई बहन ही नहीं था। और उसके कमरे का रंग हरा भी नहीं था। और कप्तान रहता था, पुलिस कप्तान, वो चुंगी नाके के पास पुलिस कप्तान रहता था। सुरेखा तो मेरे घर के बगल में रहती थी, और उसके कमरे का रंग हरा भी नहीं था। तो यहाँ एक पहले एक लेडी आई थी, वो बोल रही थी कि ये इलाका सेफ नहीं है, तुम मेरी ज्वेलरी देखकर मुझे लूटने आई। रुको, मैं कह दूँ, वहीं ठहर जाओ। हाँ हाँ, मैं सुरेखा नहीं हूँ, ये लो, सुरेखा ने तुम्हारे लिए चिट्ठी दी है, लो इसे। बबली, मैं सुरेखा, मैं ही अभी तुमसे मिलकर गई। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी फ़ोटो तभी मेरे मोबाइल पर आई। तुम वही बबली हो ना जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है? तुम्हारा साथी भंटी, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है, उसी ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगी। इतने सालों के बाद अपनी दोस्त, अपनी बचपन की दोस्त को मिल करके उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हाँ, तुम्हें दुरुस्त याद है, चुंगी नाके वाला मकान पुलिस कप्तान का है, उसमें अब मैं रहती हूँ। और एक बात, तुम्हारे सामने जो खड़ी हैं वो थानेदार वहीदा है। अच्छा होगा अगर तुम उनके साथ चुपचाप थाने चली आओ और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है,